Hello students, we have completed the disaccharide of the carbohydrate, that is the carbohydrates of monosaccharides and carbohydrates of disaccharides. Okay, now third type of carbohydrate, it is the polysaccharides. Okay, now what are the properties of the polysaccharides? That They are the very large molecules formed by polymerization of monosaccharide molecules. Okay, तो ये polysaccharide कैसे तैयार होते हैं? तो polymerization के reaction होती है और सब monosaccharide है, molecules है, वो एक mix से जुड़ जाते हैं. Okay, बहुत सारे molecules. Okay, disaccharide में क्या होता है कि सिर्फ दो ही जो होते हैं, दो ही मोनोसेक्राइड एक मिक से बाइंड होते हैं. पर इन पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये दो से ज़्यादा होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, कितने भी हो सकते हैं ये मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स. और उनका वो जो बाइंड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और उससे क्या होता है एक लार्ज मॉलिक्यूल तैयार होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय द पॉलीसेक्राइड, कि ये जो है ये मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल से तैयार होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और उसके बाद में ये लार्ज मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ पॉलीसेक्राइड. देन सेकेंड, अपॉन हाइड्रोलिसिस द पॉलीसेक्राइड ब्रोकन डाउन टू द मोनोसेक्राइड. ओके, अगर इसमें हाइड्रोलिसिस हुआ मतलब कि क्या, कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर बाहर निकला तो उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना. तो हाइड्रोलिसिस मतलब कि क्या, H2O जब बाहर निकलता है तो उसके बाद में ये जो पॉलीसेक्राइड है ब्रोकन डाउन होता है मोनोसेक्राइड में. मतलब कि पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस के बाद हाइड्रोलिसिस के साथ ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद मोनोसेक्राइड वहाँ पर तैयार हो जाते हैं. ओके, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेक्राइड डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ब्रांचिंग, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग. क्योंकि ये अब लार्ज मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि जो मोनोसेक्राइड एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल था, उसके बाद में डाइसेक्राइड दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बना था, पर ये जो पॉलीसेक्राइड है ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, इसलिए बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इसका जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ओके, वो जो प्रॉपर्टीज वो बताते हैं वो किसके हिसाब से देते हैं, कि उसकी लेंथ कितनी है. ओके, तो उसकी लेंथ कितनी है वो पॉलीसेक्राइड की, देन उसके बाद में उसकी ब्रांचिंग कैसी है. ओके, कि कैसे ब्रांच किया गया है उन मोनोसेक्राइड कैसे ब्रांच्ड है. देन उसकी फोल्डिंग कैसी है, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है इसलिए इसको फोल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सीधे चेन में रहे तो बहुत बड़े हो जाएंगे. ओके, तो इसीलिए इसको अगर सेल में फिट बैठना है तो इसमें क्या करना होगा कि उसकी ब्रांचिंग आनी होगी, उसके बाद में वो फोल्ड करेंगे. ओके, हम अगर देखेंगे कि कौन सा भी एग्जांपल के तौर पर अगर हमने देखा कि कौन सा भी अगर हमने कपड़ा लिया तो उसके हम क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से फोल्ड करते हैं, उसके बाद में वो कम जगह में रहता है. ओके, कौन सा भी कपड़ा बनो या फिर आप कौन सा भी चादर ले लो, तो हम क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा चादर जब हम फोल्ड करते हैं तभी हम वो क्या करता है कि छोटी सी जगह में रह जाता है. इसीलिए ऐसे ही प्रकार से ये जो पॉलीसेक्राइड है ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए उनको क्या होता है कि अच्छी तरीके से फोल्डिंग होती है उसकी, उसी के बाद में ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है सेल में आ जाते हैं, मतलब छोटे से सेल में आ जाते हैं. ओके, उसके बाद में उसकी कॉइलिंग भी होती है, मतलब फोल्डिंग भी होती है उसके बाद में उसकी, और उससे भी बड़ा मॉलिक्यूल रहा पॉलीसेक्राइड तो उसकी कॉइलिंग भी होती है, मतलब कि क्या, जैसे कि स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग कैसे रहता है, कॉइल रहता है, मतलब कि क्या, गुंडा लेला रहता है. तो ये जो गुंडा लेला रहता है तो क्या रहता है कि वो कम जगह में आ जाता है. जैसे कि अगर धागा लिया हमने, तो धागा का अगर हमने किसी चीज़ से हमने कॉइल किया, मतलब किया, गुंडा लिया, तो क्या रहेगा, वो कम जगह में रहेगा. ओके, वैसे ही ये जो लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीसेक्राइड है ये, इसका भी हमें कॉइलिंग हमें मिलती है. किसकी वजह से, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है और लार्ज मॉलिक्यूल को इतने छोटे से सेल में रहना है, इसीलिए उसमें क्या होती है, उसकी ब्रांचिंग रहती है, उसकी फोल्डिंग रहती है और उसकी कॉइलिंग रहती है. ओके, तो ये जो उसकी कैसी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रांचिंग है, कैसी उसकी फोल्डिंग है और कैसे उसकी कॉइलिंग है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड है, तो उसके लेंथ पर, ब्रांचिंग पर, फोल्डिंग पर और
कॉइलिंग पर डिपेंड है. ओके, अब उसके बाद में उसके टाइप्स है, दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड. तो कौन से टाइप्स है, दैट इज द स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. ओके, तो पहला जो है दैट इज द स्टार्च. अब ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च हमें कहाँ पे मिलता है, इट इज द स्टोर्ड फूड इन अ प्लांट्स. ओके, डाइसैक्राइड में हमने देखा कि जो डाइसैक्राइड रहते हैं वो स्टोर, अगर ज़्यादा मोनोसैक्राइड रहा तो उनका कंडेंसेशन के हिसाब से डाइसैक्राइड में कन्वर्शन होगा, फिर पॉलीसैक्राइड में कन्वर्शन होगा. ओके, तो वो स्टोर होने के लिए ये जो है क्या होता है, वो मतलब जो एक्सेस मोनोसेक्राइड है वो पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं और फिर बाद में वो सेल में स्टोर्ड होते हैं. ओके, स्टोर किया जाता है, जैसे कि हम कौन सी भी ग्रोसरी लाते हैं या फिर किराना लाते हैं तो हम स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही प्लांट्स क्या है या फिर कौन सा भी सेल है वो स्टोर करके रखता है जो एक्सेस जो रहता है वो. ओके, एक्सेस जो फूड मटेरियल है वो स्टोर करके लगता है. तो प्लांट्स में हमें ये जो स्टार्च है ये स्टोर्ड फूड मटेरियल हमें दिखता है. ओके, अब इसके दो फॉर्म्स है, दैट इज द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ओके, ये स्टार्च के दो टाइप्स है, फॉर्म्स है, हम कहेंगे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. ये जो दोनों भी है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये बोथ आर द अल्फा ग्लूकोज. ये फॉर्म जो है कौन से है, बोथ हैव द अल्फा ग्लूकोज है. ओके, अब ये जो अमाइलोज है ये कैसा है, अनब्रांच है, मतलब कि उसकी कौन से भी ब्रांचेस नहीं है, सीधा सीधा है वो, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं है अमाइलोज के. देन इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ द अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से ये पॉलीमर बना है, मतलब अमाइलोज किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से ऐसा ये अमाइलोज का पॉलीमर बना है. ओके, देन द मॉलिक्यूल कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा कॉइल करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कि आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल है, मतलब कि स्पायरल है. ओके, तो ऐसा ये जो स्पायरल स्ट्रक्चर, ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये अमाइलोज मॉलिक्यूल. ओके, देन इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन. ये क्या करता है, कोलाइडल सस्पेंशन फॉर्म करता है, मतलब कि क्या, कि इसके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स है ये एक मेक से सस्पेंस नहीं होते, मतलब एक मेक में जुड़ नहीं जाते, और क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो लैक करते हैं ग्रेविटी, इसे ही कहते हैं हम कोलाइडल सस्पेंशन. तो ये जो अमाइलोज है ये कौन सी प्रॉपर्टी बताता है, कोलाइडल सस्पेंशन की. ये फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन. एक तो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर आपको पता है वैसे ही स्ट्रक्चर इसका रहता है ऐसे. ओके, देन इसका जो कोलाइडल सस्पेंशन ये फॉर्म क्या करता है, कोलाइडल सस्पेंशन फॉर्म करता है. देन सेकंड दैट इज द अमाइलोपेक्टिन. ओके, स्टार्च का सेकंड जो फॉर्म है दैट इज द अमाइलोपेक्टिन. ये कैसा है, ब्रांच है, इसे हम क्या देखेंगे, इसमें हमें ब्रांच ऐसे दिखेंगे ये मॉलिक्यूल. देन ये सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये भी क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज का ही ये एक पॉलीमर है. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्च. ओके, ये स्टार्च कहाँ पे स्टोर होता है, इन प्लांट्स. ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है प्लांट्स का. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज द ग्लाइकोजन. अब ये ग्लाइकोजन है ये क्या है, स्टोर्ड फूड इन एनिमल बॉडी. ओके, ये जो ग्लाइकोजन है क्या है, एनिमल बॉडी में का स्टोर्ड फूड मटेरियल है. ओके, अब इसका जो अमाइलोपेक्टिन है विथ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन. तो इस अमाइलोपेक्टिन में हमें क्या दिखता है कि शॉर्ट डिस्टेंस दिखता है साइड चेन में, मतलब कि क्या, बहुत पास पास में ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आ गए हैं और उनका जो डिस्टेंस है बहुत कम है. ओके, साइड चेन का. देन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स. ओके, अब ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ स्टोर होता है एनिमल बॉडी में, लीवर और मसल में स्टोर होता है. ओके, कहाँ पे स्टोर होता है, जो लीवर है और मसल्स में ये स्टोर होता है. अब जब कभी भी ग्लूकोज की आवश्यकता बनती है, व्हेन ग्लूकोज इज नीडेड, कब नीडेड रहता है ग्लूकोज, जब एनर्जी. ओके, जब एनर्जी लगती है एनिमल को तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज इज नीडेड, इट इज हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. ये ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस होगा और ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज का ही क्या है, मोनोसेक्राइड है या फिर पॉलीसेक्राइड है. ओके, तो ग्लाइकोजन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा उस एनिमल में
जब क्या उसकी कब आवश्यकता होगी, ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, तभी क्या होगा कि वो जो ग्लाइकोजन है वो क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब H2O बाहर निकलेगा और ग्लूकोज वहाँ पे प्रोड्यूस होगा और उसे वो एनर्जी मिलेगी. ओके, उस एनिमल को वो एनर्जी मिलेगी. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन. देन थर्ड इट इज़ द सेल्यूलोज. ओके, सेल्यूलोज, थर्ड इट इज़ द सेल्यूलोज. ये क्या है, फॉर्म द सेल वॉल्स इन द प्लांट सेल. जो प्लांट सेल है उनका, उसकी जो सेल वॉल है ये किससे बनी रहती है, सेल्यूलोज से बनी रहती है. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट्स में हमें क्या दिखता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो रहती है लेकिन उसके बाहर भी एक सेल वॉल रहती है. तो ये सेल वॉल जो है प्लांट्स में की, ये किससे बनी है, दैट इज़ द सेल्यूलोज की बनी है. ओके, अब ये जो सेल्यूलोज है ये पॉलीमर है किसका, बीटा ग्लूकोज का. किसका, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ द बीटा ग्लूकोज. देन ये जो पॉलीमर है, मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेट. इसके जो सेल्यूलोज की जो पॉलीमर है ये कैसे है, स्ट्रेट लाइन में है. ओके, इसका कौन सी भी ब्रांचिंग या फोल्डिंग हमें नहीं दिखती है. ओके, ये क्या होता है, ये जो सेल्यूलोज है मच टफर देन द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उससे ज़्यादा क्या रहती है, ये टफ रहता है. ओके, देन अरेंजमेंट ऑफ द ग्लूकोज यूनिट इन पॉलीमर चेन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन्स गिव द टफनेस. अब ये जो टफनेस आती है सेल वॉल में सेलुलोज की वजह से, अब सेलुलोज में क्यों आती है टफनेस, क्योंकि ये जो ग्लूकोज यूनिट है पॉलीमर चेन के, ये कैसे रहती है, उसकी जो साइड चेन है वो टफनेस देती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उनका नेबरिंग हाइड्रोजन से, वो टफनेस देता है उसको. मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत टफ रहते हैं. इसीलिए ये जो सेलुलोज है ये क्या कहा गया है टफर देन द सेल मेम्ब्रेन. ये टफ रहता है क्योंकि जो पॉलीमर चेन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है उसमें क्या रहे, नेबरिंग चेन से उसमें वो टफनेस आती है दो हाइड्रोजन बॉन्ड में. इसीलिए ये सेलुलोज जो है ये टफ है. ओके, अब तो ये नाउ दिस इज द ऑल अबाउट द पॉलीसेक्राइड्स, दैट इज द स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. ओके, अब उसके बाद में है दैट इज़ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कि अभी हमने जो स्टडी किए कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ कौन से कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ द मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. ओके, तो इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि बायोलॉजी में या फिर सेल में इसका सिग्निफिकेंस या फिर फ़ायदे क्या है इस कार्बोहाइड्रेट्स के. तो फर्स्ट जो है सिग्निफिकेंस, दैट इज़ द सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबोलिज्म. ओके, जो मेटाबोलिज्म है सेल में का या फिर बॉडी में का, इसके लिए जो एनर्जी है ये कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मेटाबोलिज्म. मतलब कि ऑल जो प्रोसेसेस है, मेटाबोलिज्म मतलब ऑल जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन, या फिर हम अगर एनिमल बॉडी में देखें तो अगर कौन सा भी एनर्जी जो प्रोवाइड होती है, या फिर मूवमेंट के लिए जो एनर्जी लगती है, किसी भी प्रकार के लिए एनर्जी जो लगती है ये किसके लिए, किसकी वजह से मिलती है, इस कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से. मतलब कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सप्लाई करता है एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिज्म. ओके, देन सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट द मेन सब्सटेट फॉर ATP सिंथेसिस इज ग्लूकोज. ओके, ये ATP क्या है, ये है एनर्जी. ये ATP जो है ये एनर्जी देता है. मतलब कि जो ATP में, दैट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका सिंथेसिस, मतलब ये किससे बनता है, दैट इज़ द ग्लूकोज से. अगर ग्लूकोज ये मेन सब्सटेट है ATP सिंथेसिस का, ये जो ATP रहता है, दैट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या ये क्या करता है, एनर्जी देता है पूरे जो सेल को. पूरी जो एनर्जी मिलती है ये किसकी वजह से मिलती है, दैट इज़ द ATP. और ये ATP कैसे बनता है, कैसे सिंथेसिस होता है, इसका जो सिंथेसिस होता है उसका बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के बाद ही उसका ATP बनता है, दैट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये ATP क्या करता है, पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को. जो अलग अलग जो सेल फंक्शंस होते हैं उसके लिए ये जो ATP है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. और ये ATP कहाँ से बनता है, ये ग्लूकोज से बनता है. ओके, देन अ डाइसेक्राइड लैक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू फीडिंग
बेबीज थ्रू मिल्क, और ये जो डाइसेक्राइड है लैक्टोज, हमने देखा है कि लैक्टोज क्या है, ये डाइसेक्राइड है, किससे बना है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, ये क्या बना है, लैक्टोज बना है। अब ये जो लैक्टोज है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो फीडिंग बेबीज रहते हैं, छोटे छोटे बेबीज रहते हैं, जो फीडिंग बेबीज रहते हैं उनको मिल्क के थ्रू क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो बेबीज रहते हैं ये सिर्फ क्या कहते हैं, मिल्क ही पीते हैं, मिल्क के सिवा कुछ नहीं खाते, तो इनको जो एनर्जी मिलती है ये लैक्टोज की मिलती है, और ये लैक्टोज किस में रहता है, इन द मिल्क में रहता है ये लैक्टोज। ओके, तो ये जो बेबीज को, फीडिंग बेबीज को एनर्जी मिल्क के थ्रू ये लैक्टोज ही देता है। ओके, देन पॉलीसेक्राइड स्टार्च जो है, जो हमने अभी स्टडी किया, स्टार्च और ग्लाइकोजन एक्ट एज अ रिजर्व फूड। जो स्टार्च का किस में रिजर्व फूड है, प्लांट में जो रिजर्व फूड है, और ग्लाइकोजन एनिमल में रिजर्व फूड का काम करता है। ओके, मतलब कि अगर कभी भी किसी एनिमल को या फिर प्लांट को अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो उनका क्या होगा, स्टार्च का और ग्लाइकोजन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और उसके बाद में उसे ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज मिला मतलब क्या कि उनको एनर्जी मिली। ओके, तो पॉलीसेक्राइड स्टार्च जो है दैट इज द कहाँ पे स्टोर है, ये प्लांट में है, और ग्लाइकोजन किस में है, एनिमल में है, और ये क्या काम करते हैं, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल का काम करते हैं। ओके, देन जो सेल्युलोज है, ओके, नाउ सेल्युलोज इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। ओके, ये सेल वॉल हमें कहाँ मिलती है, सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। ओके, सेल वॉल हमें एनिमल सेल में नहीं मिलती, ये जो सेल वॉल है ये कहाँ पे मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है। कहाँ पे रहती है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो रहती है। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी है, सेल्युलोज से बनी है। अभी हमने देखा कि ये जो सेल्युलोज है ये क्या है, बहुत टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, साइड चेन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो बहुत टफ रहते हैं, इसीलिए ये सेल्युलोज क्या है, बहुत टफ है। और ये जो टफनेस है, ये टफनेस क्या देता है, सेल वॉल, सेल्युलोज की वजह से सेल वॉल में आया है। ओके, नाउ दीज आर द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस और सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, थैंक यू।